ये है अल हराम की मेन एंट्रेंस और इससे आगे गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं घूमने वाला हूँ मदीना के पवित्र शहर में। इस्लाम के अंदर तीन पवित्र शहर माने गए हैं, सबसे पहले है मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा यरूशलम। अभी मान लीजिए इसराइल का सबसे बड़ा शहर यरूशलम, और जो यरूशलम है वो अकेला ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जो रिलीजन इब्राहिम की कही हुई बातों को फॉलो करते हैं। अब जैसे ज्यूस यानी यहूदी भी इब्राहिम को मानते हैं, ईसाई भी इब्राहिम को मानते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो इब्राहिम को अब्राहम बोलते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो भी इब्राहिम को मानते हैं। और मक्का में या फिर मदीना में इब्राहिम के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जो इब्राहिम की वाइफ थी हजर, वो जब अपने बच्चों के लिए पानी ढूंढ रही थी, शायद मक्का में मिला था मदीना में मिला था, उसमें मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो में लिंक दे रहा हूँ। आप सभी लोग दृष्टि आईएएस के बारे में जानते होंगे, उनमें एक सर का नाम है विकास दिव्य कीर्ति, और भाई साहब वो सर बड़े मस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनकी वीडियो देख के ही मुझे जो पैलेस्टीन और इसराइल का जो डिस्प्यूट है वो समझ में आया था। और उसके साथ साथ ही आप जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में समझोगे। 4 से 5 घंटे का लेक्चर है। अगर आप इस सिचुएशन को ढंग से समझना चाहते हो, इसराइल और पैलेस्टीन, दूसरा जो तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं कि उनके बीच में आपस में क्या कनेक्शंस हैं और कहाँ से वो तीनों रिलीजन अलग हो जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएंगी। मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। आज से 2-3 साल पहले तक नॉन मुस्लिम्स मदीना नहीं आ सकते थे, लेकिन रिसेंटली सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और उनमें से एक चेंज ये है कि अब नॉन मुस्लिम्स भी मदीना के अंदर आ सकते हैं। हाँ, आप जो यहाँ का मेन सेंटर है, जो अल हराम कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर अभी भी आप नहीं जा सकते, लेकिन उस जगह को छोड़कर आप हर जगह घूम सकते हो मदीना के अंदर। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में जाने से पहले सबसे पहले बात आती है ब्रेकफास्ट की, और अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। इस कैमरा माशाल्लाह। हेलो हबीबी, फोटो फोटो ला नाउ। यस यस यस, هنا محلي ما شاء الله محلي هنا अरबी मुश्किल मासूम। अभी मैंने मासूम लिया है, जब मासूम आएगा तब आप लोगों को ढंग से समझाऊंगी भाई किस टाइप की चीज़ है। हाँ बैठो यार। तो अभी जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है उसका नाम है मासूम, और मासूम एक आप यूँ मान लीजिए जैसे अपने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में चूरमा नहीं होता है, रोटी को चूरते हैं घी के अंदर, वैसा सा ही सीन यहाँ पे मासूम के साथ है। लेकिन मासूम के अंदर यहाँ पे केले मिलाते हैं, साथ में थोड़ी बहुत मिल्क क्रीम होती है, और एक दो चीज़ें और मिलाते हैं, और मस्त लगता है यार। और इस मासूम के लिए आई हैव पेड 25 रियाल्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 480 रुपये। तो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे महंगा चूरमा खा रहा हूँ मैं। एकदम प्योर अरेबिक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको फूल और हमस वमस वो सब मिल जाएंगे, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा मीठा और थोड़ी सी ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने का मन हो रहा था। सऊदी में आप कहीं पर भी जाओगे आपको हर जगह खाने का सिस्टम यही मिलेगा, चाहे अगर आप टेबल के ऊपर खा रहे हो चाहे आप फिर नीचे बैठ के खा रहे हो। अब जैसे मैं टेबल पे था तो नीचे टेबल के ऊपर ये पॉलीथीन बिछा दिया, और इसके ऊपर मैं कहीं पे भी सामान रखता हूँ, एक काइंड ऑफ ये साफ है। यूँ मान लीजिए एक हिसाब से मेरी प्लेट है, ये है भाई साहब मेरा आज का चूरमा, अंदर ओट्स टाइप में या चूरमा मान लीजिए, ऊपर कॉर्नफ्लेक्स और काजू। ये ना मीठा होता है, और मिठास के लिए इसके अंदर शहद का यूज़ किया जाता है, हनी। जो मेरा खाना पीना था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अब जो अगली मंजिल है मेरी वो जो अल हराम के आसपास वाला एरिया है। टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, दो काफ़ी टाइम दिखा रहा है टैक्सी का, तो अगर नॉर्मल गाड़ी लेके जाऊँगा ही। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आज से कुछ वीक्स पहले मैंने आप सभी को एप्पल और फेसबुक के शेयर गिफ्ट किए थे, आज भी इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरी एक और फेवरेट कंपनी गूगल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। अभी आप ये वीडियो किस चीज के ऊपर देख रहे हो, यूट्यूब पे, और जो मेरा घर है, मेरा खर्चा है, वो सब किसे चलता है, यूट्यूब से। और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या एंड्रॉइड, मोस्टली शॉपिंग आप Amazon या Flipkart से करते होगे, मूवीज आप या तो Netflix या Amazon Prime पे देखते होगे,
जब आप डेली इन कंपनीज के इतने प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हो और इनके जो फाउंडर्स हैं उनसे इंस्पायर होते हो तो इन कंपनीज की ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते। अभी हम इंडिया में टेस्ला को ओन तो नहीं कर सकते लेकिन टेस्ला के शेयर्स तो खरीद सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होंगे और जो यूएस के स्टॉक्स हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हैं, एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। देखो अगर आप मेरी तरह INDIA मनी आप यूज करते हो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शंस में भी बाय कर सकते हो। फ्रैक्शन बोले तो शेयर का एक छोटा सा हिस्सा। INDIA मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फी नहीं है, जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज, ताकि आप एक छोटे अमाउंट से भी अपनी जो फेवरेट यूएस की कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सको। इस वीडियो के थ्रू INDIA मनी ऐप के साथ मिलकर मैं आप सभी को 250 रुपीज के गूगल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से INDIA मनी पर साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा रिवॉर्ड सेक्शन में आपको जो आपके फ्री शेयर्स हैं वो मिल जाएंगे। या फिर आप INDIA मनी आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, वो प्ले स्टोर पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है। और साइन अप करते टाइम आपको एक ये कोड यूज करना है NIGoogle। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपको जो 250 रुपीज के फ्री शेयर्स हैं वो आपके रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। एक बात और, जब भी आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट में फर्स्ट टाइम फंड ऐड करोगे उस टाइम भी आपको अलग से 750 रुपीज के फ्री शेयर्स मिलेंगे। सो ज्यादा देर मत करिए, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और INDIA मनी पर अभी साइन अप करिए। और अब वापस चलते हैं हमारे मदीना के सफर की तरफ। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है मेन प्रॉफिट मॉस की मीनार और यही वो एरिया है जिसके अंदर नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते। ये बाउंड्री है, इसके उधर मैं पैर नहीं रख सकता। जो अल हराम है मेन प्रॉफिट का मॉस, इसके चारों तरफ एक रिंग रोड टाइप में बनाया हुआ है और आई थिंक वही बाउंड्री है। उस बाउंड्री के उस साइड आप नहीं जा सकते इफ़ यू आर अ नॉन मुस्लिम। जो प्रॉफिट मोहम्मद की कब्र है या फिर रेस्टिंग प्लेस है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ आपको अलग अलग होटल्स मिलेंगे। ये जगह जब हज होता है या उमरा होता है उस टाइम पर भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पर भीड़ लग जाती है। ये है अल हराम की मेन एंट्रेंस और इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही है अल हराम, प्रॉफिट मोहम्मद का मॉस्क, और इसी मॉस्क के अंदर ही जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनकी कब्र है। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में और उनकी जो डेथ हुई थी वो मदीना में हुई और जो मेन उन्होंने टीचिंग्स दी, जो जो उन्होंने मैसेज दिए वो सब मदीना के थ्रू ही दिए थे। इसीलिए शायद कई बार आपने सुना होगा कि इस्लामिक लीडर्स होते हैं वो मदीना की सियासत का नाम लेते हैं, तो मदीना की सियासत का रेफरेंस उसी टाइम के प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी से है शायद, ये मेरा ऐसा मानना है। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे मदीना की तरफ आ गए थे इस्लाम का प्रचार करने, मदीना में आए तो मदीना में उन्होंने पाया कि जो यहूदी थे ना यहाँ के ज्यूज़ लोग मदीना के अंदर वो ज़्यादा रहते थे। स्टार्टिंग में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई, जो कुछ ज्यूज़ थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और कुछ ज्यूज़ मदीना को छोड़ के चले गए। जब प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पे आए थे उस टाइम इस सिटी को मदीना नहीं कहा जाता था, शायद यथरीब नाम था एक, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस शहर का नाम बदल के मदीना कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि जिस मस्जिद से प्रॉफिट मोहम्मद ने पहली बार शुक्रवार की नमाज़ अदा करी वो मस्जिद भी मदीना में ही पढ़ते हैं। यरूशलम के बजाय मक्का की तरफ देख के नमाज पढ़ना वो ध्यान भी प्रॉफिट मोहम्मद को मदीना में हुआ था। ये बात तो आपको पता होगा ना कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे स्टार्टिंग के दिनों में वो यरूशलम की तरफ देख के प्रेयर अदा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मक्का की तरफ देख के प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये ज्यूज़ की सिटी हुआ करती थी यहूदियों की, उसके बाद फिर जब इस्लाम यहाँ पर आया उसके बाद ये सिटी हो गई अरब्स की, फिर जो ऑटोमन्स थे उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी लंबा राज किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब ओटोमन एम्पायर फॉल हुई और उसके बाद से इस जगह पर कंट्रोल वापस से अरब्स का आ गया। और जो ओटोमन्स थे वो एक प्लान और कर रहे थे इस्तांबुल से लेके मक्का तक वाया मदीना, वो एक ट्रेन रूट को बना रहे थे। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो सक्सीड भी हो जाते। उनका प्लान था इस्तांबुल से एक रेलवे लाइन बिछाई जाए ताकि उनके जो पिलग्रिम्स थे उनको एकदम डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए मक्का और मदीना का, लेकिन वर्ल्ड वॉर छिड़ने के कारण से जो पूरी दुनिया की पॉलिटिकल सिनेरियो था वो एकदम चेंज हो गया था और उस टाइम ओटोमन एम्पायर भी एकदम अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे। आपको मदीना में लगभग हर जगह पर ये बड़ी बड़ी क्रेन्स दिख जाएंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे जो अल हराम है इसके चारों तरफ
बहुत बड़े बड़े होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो पुराने होटल्स थे उनको तोड़ के नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इधर अल हराम और इधर इसके चारों तरफ इस टाइप के होटल्स, जैसे अपने इंडिया में द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ पे जैसा माहौल मिलता है ना आपको, सेम माहौल आपको मक्का मदीना, जैसे आपको वहाँ पे तीर्थयात्री मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको ज़्यादातर तीर्थयात्री मिलेंगे। हाँ, आपको एक रूल और बताता हूँ, सऊदी में आज से 4-5 साल पहले तक अगर नमाज का टाइम हो गया तो उस टाइम पर आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ती थी, चाहे किसी भी चीज़ का स्टोर हो, जितने भी लोग थे वो नमाज करने चले जाएंगे और बाहर आपको दुकान का थोड़ी देर के लिए शटर डाउन करना पड़ता था। ये रूल अब मोस्टली आपको सऊदी में नहीं मिलेगा, अगर आप चाहो तो बंद कर सकते हो, अगर ना चाहो तो खुली रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, वो है अलबेक, सऊदी अरेबिया का सबसे फेमस फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको ये यूँ मान लीजिए सऊदी अरेबिया का लोकल KFC है, और आज लाइफ में मैं पहली बार अलबेक ट्राई करने वाला हूँ। जो रोड के उस साइड जगह है वो है यहाँ का कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान के अंदर जो मदीना के ऊपर बैटल्स हुए थे, 3-4 लड़ाइयाँ हुई थी मदीना के ऊपर, यहाँ पे लोग शहीद हुए थे, उनकी कब्र इस कब्रिस्तान में है। उस साइड रह गया अल हरम, इधर रह गया कब्रिस्तान। हाउ मच? 5 रियाल। शुक्रान। भला काम तो कर ही सकते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, चाहे कहीं पे भी हो। कबूतरों का दाना डाल दिया है, मेरा दाना ये रहा, कबूतर मुझसे पहले खा लेंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं घर पे जाके खा लूँगा। रिलीजियस प्लेस के साथ साथ मदीना के जो खजूर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं से अब मैं टैक्सी करने वाला हूँ, यहाँ पे बस स्टेशन पे आया हूँ, अब टैक्सी वैक्सी पकड़ के, और यहाँ पे आती भाई हर कोई झपट्टे मार रहा है, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ बस में मत जाओ तुम। ये सब जेद्दा जाने वाले बंदे हैं कि मेन बस स्टैंड के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई यहाँ से सवारियाँ वारियाँ मिल जाएंगी, बुरे तरीके से हो जाता है भाई। एक बार मैं बस की टिकट करवाता हूँ, और एकदम फाइनल टाइम पर पहुँच कर मैंने बस की टिकट भी करवा ली, 15 मिनट पहले पहुँचा हूँ, 2:30 बजे बस निकलेगी, और 2:10 पर मैं इस बस स्टैंड पर पहुँचा था, बस की टिकट करवाई। यहाँ से जेद्दा है 300 किलोमीटर, 5 घंटे की जर्नी होगी, और इसके लिए आई हैव पेड 70 रियाल, 1300 रुपीज़। जिद्दा से मदीना आना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक आप फ़्लाइट ले सकते हो, फ़्लाइट भी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 200 से 300 रियाल के बीच में फ़्लाइट आ जाएगी। दूसरा, आपके पास हरमेन एक्सप्रेस है, जिस ट्रेन जो आपने लास्ट वीडियो में ट्रेन देखी थी उसके थ्रू, और तीसरा सप्तको की बस, और चौथा अगर आप सप्तको बस स्टेशन, सप्तको बोले तो सऊदी अरेबियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और सप्तको के बस स्टेशन के जब बाहर आप आओगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा में टैक्सी वैक्सी मिल जाएंगी, आप उनके थ्रू भी जा सकते हो। जिद्दा से मदीना आने में कोई पंगा नहीं है, आप अगर आप कार रेंट करना चाहते हो तो कार रेंट के थ्रू भी आ सकते हो, ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से आना चाहते हो बस से भी आ सकते हो। और अब मैं इस बस में बैठ के वापस जिद्दा की तरफ निकल जाऊंगा, और कल से फाइनली जो जिस तरीके से मैं सऊदी को ट्रैवल करना चाहता था उस तरीके से सऊदी का ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से आप थोड़े एक्सट्रीम एडवेंचर देखने वाले हो, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में, क्योंकि सऊदी के अंदर जो मैं प्लान करके आया था वो चीज़ें नहीं हुई, और पिछले कुछ दिनों में तो फिर मैंने कुछ नए प्लान डिसाइड किए हैं जो आप अगली वीडियो से देखने वाले हो, स्पेशली जो सऊदी का नेचर है उससे रिलेटेड। अब मैं जा रहा हूँ बस के अंदर, और ये था इस्लामिक वर्ल्ड का सेकंड होलीस्ट सिटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय गाइज। वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, IndieMoney पर साइन अप करिए, और जो अपना US2 का अकाउंट है उसके अंदर फंड ऐड करिए, तो जैसे ही आप साइन अप करोगे और आपका जो US2 का अकाउंट बन जाएगा उसमें आपको 250 रुपीज के फ्री गूगल के शेयर मिलेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप अपने अकाउंट में फर्स्ट टाइम फंड ऐड करोगे उस टाइम आपको मिलेंगे 750 रुपीज के एक्स्ट्रा फ्री शेयर्स। कोड को यूज करना मत भूलना, NIGoogle। IndieMoney को 4 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक फ्रॉम इंडिया।